स्वागत है आप सभी का अर्पिता स्पेस पर। मेरा नाम अर्पिता है और अगर आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो मेरे वीडियोस को लगातार देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और हाँ, इनको लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। बनाने जा रहे हैं गोभी के चावल यानी कि कॉलीफ्लावर राइस। ये ऐसे चावल हैं जिनमें चावल नहीं है दोस्तों, ये ऐसे चावल हैं जिनमें हम चावल की जगह कसी भी गोभी का इस्तेमाल करेंगे जो दिखने में काफी हद तक उबले हुए चावल जैसी लगती है। गोभी जो है वो विटामिन्स और एंटीऑक्सीडेंट्स में काफी रिच होती है जिसकी वजह से ये एक हेल्दी फूड तो है ही, और साथ में जो लोग वेट लॉस के लिए या किसी भी और कारण की वजह से चावल नहीं खाना चाहते हैं उनके लिए ये गोभी के चावल एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, तो आप इसे जरूर ट्राई करें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड, देखते हैं ये गोभी के चावल कैसे बनाए जाते हैं। गोभी के चावल बनाने के लिए हमें चाहिए 3 कप गोभी। इसमें हम गोभी को ही कसकर चावल के रूप में प्रयोग करने वाले हैं, इसलिए हमें गोभी ज्यादा चाहिए क्योंकि गोभी चावल की तरह फूलती नहीं है। इसके अलावा हमें इसमें चाहिए मटर के दाने 1/2 कप, प्याज मध्यम आकार में कटे हुए 1 कप, टमाटर भी मध्यम आकार में कटे हुए 1 कप, हरे प्याज बारीक कटे हुए 1/2 कप, 1 चम्मच नींबू का रस, 2 तेज पत्ते। मसालों में हमें चाहिए काली मिर्ची 1/2 छोटा चम्मच, नमक स्वादानुसार, जीरा 1/2 छोटा चम्मच और गरम मसाला 1/4 छोटा चम्मच। पानी हमें चाहिएगा लगभग 1/2 कप और तेल चाहिएगा 2 बड़े चम्मच। गोभी के टुकड़ों को सबसे पहले हम उबलते हुए पानी में 2 मिनट के लिए डाल देंगे जिससे उसमें अगर कोई कीड़ा या कुछ कचरा लगा हो तो वो निकल जाएगा। इसके बाद गोभी को इस तरह से हाथ से घिस लें या फिर फूड प्रोसेसर में गोभी को घिस लें। इस प्रकार से हमें गोभी घिसने से चावल जैसे दाने मिल जाएंगे। आप चाहें तो फूड प्रोसेसर की इस ब्लेड की मदद से भी गोभी को घिस सकते हैं, इससे गोभी थोड़ी जल्दी घिसी जाएगी। ये देखिए, ये हमारी सारी गोभी है, घिसने के बाद बिल्कुल उबले हुए चावल जैसी लग रही है ये। अब कढ़ाई में तेल गरम करके हम इसमें डालेंगे जीरा और तेज पत्ता। गैस को हम मध्यम आंच पर रखेंगे और इसमें डालेंगे हम मटर और इन्हें 2 मिनट तक पकने देंगे। अब मटर थोड़ा नरम हो चुका है तो इसमें प्याज डालेंगे और इनको भी 2 मिनट तक पका लेंगे। जब प्याज हल्के भूरे होने लगे अब इसमें टमाटर डाल देंगे। अब हम इसमें काली मिर्च व नमक डाल देंगे और गैस को हमें मध्यम आंच पर ही रखना है। अब हम इसमें लगभग 1/2 छोटी कटोरी पानी डाल देंगे और फिर गोभी के चावल डाल देंगे। इसे हल्के हाथों से मिला दें क्योंकि गोभी में खुद में भी पानी होता है तो इसे ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होती है पकने के लिए। यह बहुत जल्दी भी पक जाता है, लगभग 6-7 मिनट में ये तैयार हो जाता है। अब गैस को धीमी आंच पर करके हम गोभी के चावल को ढककर पकने देंगे लगभग 5-6 मिनट के लिए। अब 5 मिनट हो चुके हैं, हमारे गोभी के चावल पक चुके हैं पूरी तरह से। अब हम इसमें हरे प्याज डाल देंगे। इसके बाद हम इसमें गर्म मसाला डाल देंगे और फिर हम इसमें नींबू निचोड़ देंगे। अब इसे एक बार अच्छे से मिला लें और सिर्फ 1 मिनट के लिए और पका लें।
गोभी के चावल बिल्कुल तैयार हैं। अब हम गैस को बंद कर देंगे और इन्हें गर्मा गर्म परोसेंगे। धन्यवाद आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, इसे लाइक करें और शेयर करें, और ऐसे और वीडियोस देखने के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पे जरूर क्लिक करें। हैप्पी लिविंग एंड हेल्दी लिविंग।